आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इस मामले पर संविधान पीठ ने 4 अप्रैल को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुनाए अपने फैसले में बेंच ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई में कोई भी जानकारी मांगे जाने पर थर्ड पार्टी को इस बात की सूचना पहले दी जाएगी कि उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। सुनवाई पूरी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोई भी अपारदर्शी प्रणाली नहीं चाहता, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था कि सीजीआई के दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचेगा। इससे पहले सीआईसी ने भी अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, सीनियर कांग्रेस लीडर और विधायक लक्ष्मण सिंह ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। लक्ष्मण सिंह की यह खूबी है कि वे हर सच बड़ी ही बेबाकी से बयान कर देते हैं। लक्ष्मण सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आप पर तंज कसते हुए कहा कि आप मजबूत मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं, मजबूर मुख्यमंत्री ना बने। कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह के अनुज विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, अब तक सिर्फ सरकार बचाने के प्रयास किए जा रहे थे, अब सरकार चलाने के प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर सरकार दिख नहीं रही है, काम नहीं हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, मनरेगा के काम नहीं दिख रहे, कॉलेजों में जनभागीदारी समिति बनी ही नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को एक संदेश है आपके माध्यम से कि आप मजबूत मुख्यमंत्री बन के काम करिए, मजबूर मुख्यमंत्री बन के काम मत करिए। अभी तक जो प्रयास हो रहे हैं, सरकार बचाओ बचाओ बचाओ, अब प्रयास करिए सरकार चलाने के लिए, सरकार चले। अभी नीचे दिख नहीं रही है सरकार, किसी क्षेत्र में देख लीजिए आप, काम नहीं दिख रहे हैं, न मनरेगा के काम दिख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत आप देख रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, कॉलेजेस में जन भागीदार समिति नहीं बनी है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा यही सुझाव है कि सरकार चलाने में ज़्यादा ध्यान दें, बचाने में कम दें। कमलनाथ जी, यह पहला मौका नहीं है जब आप अपनों के निशाने पर हैं। इससे पहले भी आपके कई मंत्री और विधायक आपकी सरकार के ढीले रवैये पर कटाक्ष कर चुके हैं। दबी जुबान में तो आपके साथियों का कहना है, आप सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। लक्ष्मण सिंह के बयान के मायने बहुत साफ है, कांग्रेस के भीतर ही भीतर आपके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने चापलूसों के दायरे से बाहर आकर प्रदेश की सच्चाई को जान लें। कमलनाथ जी जब आपको आपके अपने ही कटघरे में खड़ा करेंगे तो फिर दूसरे लोग आपको क्यों छोड़ देंगे। सरकार मजबूरी में चल रही है, सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री से लेकर संसदीय कार्य मंत्री तक जोड़ तोड़ की बातें अगर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार कहां से दिखेगी। स्कूल भी खाली होंगे और डेंगू से लोग भी मर रहे होंगे। आज प्रदेश की हालत बहुत खराब है, लूटपाट की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री बयान दे देते हैं कि अवैध माइनिंग पर रोक लगेगी, और जो रोक लगाता है उसका स्थानांतरण करके अधिकारी को बता देते हैं कि तू रुक नहीं पाएगा अगर रोकेगा तो। SDM और कलेक्टर लड़ते हैं, एक का भी ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि वो अवैध माइनिंग में लिप्त हैं। तो ये ऐसी सरकार चल रही है कि जो ऊहापोह की स्थिति में है, किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी सरकार है। कमलनाथ जी, आपके मुताबिक ये वक्त बदलाव का है, लेकिन आपकी सरकार को एक साल होने जा रहा है और मध्य प्रदेश के हालात वही ढाक के 3-5 जैसे हैं। आपकी कागजी योजनाएं और जुबानी जमा खर्च हकीकत के मैदान में आकर दम तोड़ देते हैं। इसीलिए जरूरी हो गया है कि आप अपनी क्षमताओं का आकलन फिर से करें और लक्ष्मण सिंह के कहे मुताबिक मजबूर से मजबूत मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं। कमलनाथ जी, आपके बदलते हुए मध्य प्रदेश में इन दिनों अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं।
हाल ही में आपने देखा था कि कमलनाथ के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने से आयु में 3 साल छोटे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। इससे पता चलता है कि अपना पद बरकरार रहे उसके लिए लोग क्या क्या नहीं कर सकते। मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बाद अब देवास नगर निगम कमिश्नर संजना जैन का पैर पड़ने का वीडियो सामने आया है। नगर निगम कमिश्नर संजना जैन का गुरु नानक जयंती के कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन वर्मा से सामना हुआ, तो देखिए कमिश्नर साहिबा ने कैसे मंत्री जी के पैर पड़े। इससे जाहिर है सरकार कैसे चल रही है, जहां अधिकारी मंत्रियों और नेताओं के सामने शरणागत और चरणागत हो रहे हैं। ऐसा लगता है इस समय मध्य प्रदेश में कहीं नतमस्तक होकर तो कहीं चरणागत होकर काम निकालने की ट्रिक अफसर सीख गए हैं, या फिर डर के कारण अफसरों का ये हाल है। इस मामले में पहले मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का पक्ष जान लेते हैं। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो काफी देर तक वो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने जवाब दिया। भाई दूज का मामला है, भाई दूज से मिल नहीं पाया था, आज मिला कई दिनों के बाद, तो आज फिर मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन बाहर रहूँगा तो मिल नहीं पाऊँगा। तो भाई दूज का एक सम्मान छोटी बहन है, अभी तो सर का हाथ रखते हैं, छोटी बहन है भावनात्मक रूप से भाई दूज के लिए उससे मिल नहीं पाई, तो इसलिए आज इतनी देर बाद मिला तो उन्होंने बड़े भाई मुझे सम्मान देते वो दिया। मैं इसको अन्यथा मैं नहीं ले रहा हूँ, अब चूँकि मैं राजनेता हूँ, रिश्ते मेरे हो सकते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं। अधिकारी जब सार्वजनिक रूप से मंत्री और नेताओं के पैरों में नजर आए तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, अधिकारी कानून नियम प्रोटोकॉल तोड़ कांग्रेस नेताओं के शरणागत हो गए हैं। निगमायुक्त ही नहीं कलेक्टर एसपी भी हैं मंत्री के पैरों में। अधिकारियों ने अपने पद की गरिमा ही गिरा दी है। कांग्रेस की सरकार में जितने भी अधिकारी है वो कानून नियम और प्रोटोकॉल से परे होकर काम कर रहे हैं। देवास में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में आप कलेक्टर और एसपी और निगम आयुक्त को फिर से सज्जन वर्मा के पैर छूते हुए देखेंगे। सज्जन वर्मा यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह सरकार को चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में अफसरशाही के कारण लोकतंत्र भी शर्मा रहा है। ऐसा लगता है इन अधिकारियों का सोचना है शरण में नहीं जाएंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर मध्य प्रदेश की नौकरशाही की झुकी कमर का हाल बता रही है। छिंदवाड़ा कलेक्टर जो खुद एक सीनियर आईएएस हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ के उद्योगपति सांसद पुत्र नकुलनाथ के आगे झुके जा रहे हैं। सरकार के आगे नतमस्तक इन अधिकारियों के कारण जहां मध्य प्रदेश जग हसाई का पात्र बनता है, वहीं इस पर जमकर राजनीति भी होती है। शासन और प्रशासन दोनों ही इस समय शरणागत हैं। चरणम शरणम गच्छामि, ऐसी स्थिति देखते हैं तो लगता है कि लोकतंत्र भी शर्मा रहा होगा। अपने पद पे बने रहने की पता नहीं ये आहर्ता तय की है सरकार ने क्या? अगर शरण में नहीं आएंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश की ये हालत हो गई है, जो कि चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर कुआकोंडा ब्लॉक के पास ग्राम पोटाली में पुलिस कैंप के विरोध में ग्रामीण खुलकर सामने आ गए। पारंपरिक हथियारों तीर धनुष कुल्हाड़ी लाठी से लैस ग्रामीणों ने कैंप से घेराबंदी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स ने अश्रु गैस के गोले छोड़े, साथ ही हवाई फायर भी किए, तब कहीं जाके स्थिति नियंत्रण में आई। नक्सलवादी पोटाली कैंप का ग्रामीण के जरिए शुरू से विरोध करवा रहे थे। ग्रामीण नहीं चाहते कि फोर्स उनके गाँव के पास रहे, अक्सर फोर्स पर ज्यादती करने के आरोप भी ग्रामीण द्वारा लगाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि नक्सली नहीं चाहते कि वहां कैंप खुले,
क्योंकि ऐसा होने पर पुलिस फोर्स और प्रशासन का दखल क्षेत्र में बढ़ जाएगा, जो उनके हित में नहीं होगा। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने ग्रामीणों को नक्सलियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने सड़क काट दी है, स्कूल आश्रम स्वास्थ्य केंद्र तोड़ दिए हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैंप खुलने से क्षेत्र का विकास होगा, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क पेयजल सुरक्षा आदि सुविधाओं की उपलब्धता होगी। एसपी ने बताया कि रेवाली निहाड़ी और बुरगुम में भी 31 दिसंबर तक नए कैंप खोले जाएंगे। सिवनी के जबलपुर रोड पर लखनादौन के पास एक ईंधन के टैंकर में अचानक आग लग गई। टैंकर में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद रास्ते में 2 किलोमीटर तक जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। ड्राइवर ने टैंकर से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि अचानक टैंकर के अंदर आग कैसे लग गई। आग की लपटें और धुआं दूर से दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि टैंकर जबलपुर से नागपुर जा रहा था। यह हादसा लखनादौन और गणेशगंज के बीच सहजपुर गांव में हुआ है। ग्वालियर हाईकोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पीएमओ, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सहित 6 लोगों को पार्टी बनाया गया है। इस पीआईएल की 14 नवंबर को सुनवाई होगी। यह पीआईएल अधिवक्ता उमेश बोहरे ने लगाई है। इसमें कहा गया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा हटाना गलत है। इस परिवार में पहले 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। राजनीतिक द्वेष के चलते गांधी परिवार की यह सुरक्षा हटाई गई है, जबकि देश में कश्मीर समस्या और अयोध्या मामले हैं। ऐसे में सुरक्षा हटाना कभी भी खतरनाक हो सकता है। हमारा कहना यह कि भारत सरकार ने विद्वेष भावना पूर्वक की एसपीजी व्यवस्था उनकी हटाई है, और ऐसे समय जबकि जम्मू कश्मीर धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर विवाद पूरे देश में चल रहा है, और गांधी परिवार पहले नंबर पर इस समय है संपूर्ण विश्व में, क्योंकि राजीव जी ने 1985 में गेट खुलवाए थे, रामलला के ताले खुलवाए थे, तो उनसे उसको जोड़ा जा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि गांधी परिवार को इस समय एसपीजी व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तत्काल पुनः एसपीजी व्यवस्था लगाना चाहिए। पिपरिया के नया गांव में प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद अंधविश्वास का खेल जारी है। बेकाबू भीड़ और प्रतिबंधित जंगल क्षेत्र में घुसने के कारण पुलिस प्रशासन ने गांव वालों को वहां जाने से रोका तो लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। बनखेड़ी टीआई शंकरलाल झरिया के सिर में पत्थर लगने से वो घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कुछ शरारती लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी कि जंगल में लगे महुआ के पेड़ को छूने से सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचने लगे। जो गांव है उसके नजदीक जो महुआ के पेड़ के लिए बहुत सारे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वहां पर कुब्जा नदी किनारे सुबह कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, उसकी वजह से कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अभी स्थिति सामान्य है और ग्रामीणों से अभी अपील की जा रही है कि उस स्थान पर न जाएं। कितने लोग थे वहाँ जो जिन लोगों ने हमला किया? वहाँ तो कोई साहब नहीं, कितना था पब्लिक, कितनी थी? टीआई कितने लोग थे? हम 25-30 जने थे। टीआई साहब घायल हुए हैं? पता नहीं, हमने देख पा भगदड़ में कहाँ कहाँ हुए जमान हुए। सुहागपुर स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक पर्यटन केंद्र मढ़ई बाग भ्रमण के लिए फेमस है। यहां आने वाले पर्यटकों को आए दिन बाघ जंगल में घूमते हुए दिखाई दे जाते हैं। इस बार भी सैलानियों को जंगल का राजा बेखौफ घूमता मिला। विदेश से आए पर्यटकों ने भी यहां बाघ को घूमते देखा। पर्यटकों ने टाइगर को करीब 10 मिनट तक सड़क पर अपनी टेरिटरी बनाते हुए देखा तो वे रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने मोबाइल से बाघ की फोटो ली और वीडियो भी बनाया। इस दौरान टाइगर को इस बात से कोई फर्क नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। टाइगर मस्त होकर पर्यटकों की जिप्सी के आगे करीब 10 मिनट तक चलता रहा। ग्वालियर के मुरार में रहने वाले सूरज कौशल शेयर मार्केट का काम करते हैं, जिनके डीडी नगर स्थित ऑफिस पर कल 5 लोग आए, जिन्होंने खुद को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पत्रकार बताया और धमकी दी कि तुम फर्जी कंपनी चला रहे हो और तुम्हारी खबर बनाते हैं, और उसे धमकाने लगे। बाद में उन्हीं में शामिल दीपक तिवारी पीड़ित सूरज के पास दोबारा गया और मामला निपटाने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे और शाम को महाराजपुर गेट 2 पर मिलकर पैसे देने को कहा। सूरज ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पैसे देने के दौरान पुलिस ने 5 को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सभी पत्रकार फर्जी निकले। जो हम लोग पत्रकार हैं, ये अपने पास तेलका की, CNN, अखबार आज तक और मनवाधिकार मीडिया के कार्ड वगैरह लिए थे और ID लेकर उसको चमकाने लगे थे।
और बोले हमारी कंपनी बंद करा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बाहर निकले आए, तो उसके बाद इनके पास दीपक तिवारी करके एक आदमी दोबारा पहुँच के लौट के पहुँचा कि मैं तुम्हारा सेटलमेंट करा दूँगा और तो 50,000 रुपये देना पड़ेंगे। कि जी चरण के नाम पे जो अड़ीबाजी करके पैसे मांग रहे थे, तो 384 का भी FIR है। बाकी अभी चरण वालों से मैं पत्र लिख के पूछूंगा, अगर बता देंगे अनऑथराइज तो 420 का इजाफा किया जाएगा। पकड़े गए फर्जी चार पत्रकारों में सुभाष शुक्ला, भगवान बसंत, विजय सिरोलिया, हुकुम सिंह सभी इंदौर के और दीपक तिवारी ग्वालियर के डबरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को पूछताछ में उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को निकले हैं और जयपुर सहित अन्य शहरों में भी इसी तरह लोगों को ब्लैकमेल करते आए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी भी ले रही है। टीकमगढ़ में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का 550वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे में जाकर भजन कीर्तन किया। इसके बाद गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया। इसमें समाज के सभी लोगों ने भोजन कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और बधाई दी, देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। टीकमगढ़ गुरुद्वारे में कीर्तन करने दिल्ली से गुरु नानक साहब के अनुयायी आए थे। इस मौके पर सिख समाज सहित अन्य धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में गुरुद्वारा पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु नानक पातशाह ने उपदेश दिया है, नाम हिंदू नाम मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, सब ने परमात्मा का नाम एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। ग्वालियर में सिखों के गुरु गुरु नानक देव जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर गुरु की संगत का भी आयोजन किया गया। ऐसे में गुरुद्वारे को विशेष रूप से सजाया गया और प्रकाश पर्व पर सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे को पहुंचकर मत्था टेका। इस मौके पर सिख समाज ने लंगर का आयोजन किया। गुरुद्वारे पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हालांकि अयोध्या फैसला आने के बाद से सुरक्षा के मद्देनजर इस बार प्रकाश पर्व में पिछले वर्ष की तरह चल समारोह नहीं निकाला गया। श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में दिनांक 9 तारीख से लेके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। 9 तारीख को विशाल नगर कीर्तन निकला था जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा साहब आया था। नर्मदा नगरी होशंगाबाद में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा और तवा के संगम बांद्रा भान में क्षेत्रीय संस्कृति मेले का आयोजन होता है। सुबह से ही नर्मदा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। खासकर बांद्रा भान में अल सुबह से रात तक करीब लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। पुलिस प्रशासन द्वारा घाटों और मेला परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए थे। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस होमगार्ड से मिलाकर के लगभग 150 जवान तैनात हैं जो इस मेले की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं और इसको 24 घंटे की ड्यूटी में लगाया गया है शिफ्ट वाइज। पौराणिक मान्यता अनुसार एक राजा के वानर मुख के शाप का निदान कार्तिक पूर्णिमा पर संगम स्नान करने से हुआ था, इसलिए ये कार्तिक पूर्णिमा पर जिले और आसपास से लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। साथ ही बैतूल और छिंदवाड़ा के लोगों की देव पूजा इसी मेले में होती है, इसलिए 3 दिन तक चलने वाले मेले में आदिवासी परिवार अपने देवताओं की पूजा के लिए यहां आते हैं। यहां पे नर्मदा जी पे तवा और नर्मदा जी संगम है जो कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, तो जिसका नहाने का बहुत महत्व है। यहां पे जो भी आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करने आता है, निशानी लगाने आता है और जो भी उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।